वेलकम बैक टू चैनल एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2019 अपाचे आरआर 310। यस, द लेटेस्ट 2019 अपाचे आरआर 310 इज हियर। सो आज है डेट 27 में और कल जो है जो ऑफिशियल लॉन्च होगा 2019 के अपाचे आरआर 310 का, दैट इज 28 में। सो इस बाइक की जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। द मोस्ट अवेटेड स्लीपर क्लच इज हियर इन अपाचे आरआर 310। देर आए दुरुस्त आए, फाइनली टीवीएस ने 2019 की जो अपाचे आरआर 310 है उसके अंदर रेस ट्यून स्लीपर क्लच लाया है, विच इज ग्रेट एड ऑन फॉर अपाचे आरआर 310। बस वही एक चीज मिसिंग थी इस बाइक के अंदर जो अब आ गई इस बाइक के अंदर। तो ये जो स्लीपर क्लच है उसको टीवीएस ने नाम दिया है रेसिंग ट्यून। तो इस स्लीपर क्लच के साथ नई आरआर 310 के अंदर गियर शिफ्टिंग अप और डाउन बहुत स्मूथली हो जाएगा। ऑल्सो आपके जो हैंड का जो पेन होता है, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है अभी ट्रैफिक में हम आरआर 310 चलाते हैं तो आपका क्लच बहुत हार्ड होता है स्पेसिफिक टाइप के बाद, और क्लच लूज भी हो जाता है। जैसे मैंने बताया मेरे पास वीडियो में, जब भी मैं राइड्स करता हूँ मोर देन 300 और 400 किलोमीटर क्लच लूज होने लगता है। तो ये सब प्रॉब्लम हमें फेस नहीं होगी। मेन प्रॉब्लम थी जो क्लच हार्ड होने की, क्योंकि जब भी ट्रैफिक में चला तो घड़ी आपको क्लच एंगेज करना पड़ता है तो आपका हाथ बहुत पेन होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्प्रूव की है टीवीएस ने न्यू स्लीपर क्लच के साथ, आपके हाथ को इतना पेन नहीं होगा। ऑल्सो वाइल चेंज द गियर ऑन हाईएस्ट स्पीड आपकी बाइक की स्टेबिलिटी भी परफेक्ट रहेगी, ऐसा कोट किया है टीवीएस ने। तो ये इम्प्रूवमेंट है। ऑल्सो टीवीएस ने जो कलर में आरआर 310 लॉन्च की है, इसके पहले आपको बताई है ब्लैक और रेड। जो रेड कलर था वो ग्लोसी कलर था जो मेरे पास बाइक है, और ब्लैक कलर जो मैट कलर था। इस बार टीवीएस ने ब्लैक कलर में 2019 आरआर 310 लॉन्च किए। उस ब्लैक कलर को उन्होंने नाम दिया है फैंटम ब्लैक। तो अभी तक की जो इमेज मिले बाइक की वो आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हो इमेज के अंदर टीवीएस ने जो सामने की तरफ जो व्हाइट स्ट्रिप थी उसके दोनों साइड में रेड कलर की स्ट्रिप ऐड की है, और वही रेड स्ट्रिप कंटिन्यू होती है पिलियन और राइडर्स के सीट के बीच तक। सो ये एक चेंजेस है। सो अभी तक इमेज से पता नहीं चला ये कलर मैट है या ग्लोसी है, जैसे बाइक लॉन्च हो जाती है हमको पता चल जाएगा। ऑल्सो एक खुशखबरी यहाँ पे, 2019 की अपाचे आरआर 310 जो बाइक है उसकी जो फर्स्ट खरीदार है वो है हमारे माही भाई मीन्स महेंद्र सिंह धोनी जी। जी हाँ, उन्होंने 2019 की अपाचे आरआर 310 परचेस की है, मीडिया ने बता दिया है हमें। उसकी भी इमेज आपको दिखा देता हूँ। अब लोगों तो पता ही है माही भाई स्पोर्ट्स बाइक के कितने शौकीन है, उनके पास कितनी बहुत सारी स्पोर्ट्स बाइक है। इट्स ग्रेट साइन फॉर अस दैट अपने माही भाई भी अपाचे आरआर 310 यूज करेंगे। और एक खुशखबरी यहाँ पे, जो ओल्ड ओनर है अपाचे आरआर 310 के, जैसे मैं हूँ, आप लोगों में से भी कोई होंगे अपाचे आरआर 310 के ओनर, तो उनके लिए खुशखबरी है कि ये जो न्यू रेसिंग ट्यून स्लीपर क्लच है क्या हम वो अपनी बाइक के ऊपर लगा सकते हैं, दैट मीन ओल्ड मॉडल। जी हाँ, टीवीएस ने ये अनाउंस किया है कि ये जो न्यू रेसिंग ट्यून स्लीपर क्लच है वो ओल्ड अपाचे आरआर 310 के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं एज अ एक्सेसरी। सो उसके लिए आपके लोकल एरिया में आरआर 310 की सर्विस होती है वहाँ पे टीवीएस के हाईली क्वालिफाइड मैकेनिक्स विजिट करेंगे और ये स्लीपर क्लच आपकी बाइक के ऊपर इंस्टॉल कर देंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे कब मिलेगा ये स्लीपर क्लच, डोंट वरी, क्योंकि मैं टीवीएस ऑफिशियल के कॉन्टेक्ट में हूँ। जैसे न्यू स्लीपर क्लच यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है मुंबई में, आई एम गोइंग टू इंस्टॉल इट ऑन माई बाइक। तो जैसे इंस्टॉल हो जाता है उसका व्लॉग भी मिलेगा और क्या क्या इंप्रूवमेंट आफ्टर इंस्टॉलिंग दैट स्लीपर क्लच अपने चैनल पे तो आ जाएगा। सो स्टे सब्सक्राइब फॉर दैट। अब करते हैं प्राइस के बारे में, कितना चार्ज करेगी टीवीएस हमें फॉर इंस्टॉलिंग दिस न्यू रेसिंग ट्यून स्लीपर क्लच ऑन ओल्ड बाइक। तो उसकी प्राइस अभी तक टीवीएस ने अनाउंस नहीं की है। हमारी जो न्यू बाइक है उसकी प्राइस टीवीएस ने अनाउंस की है। पहले तो बात करते हैं ओल्ड आरआर 310 की जो अभी अवेलेबल है, तो उसकी करंटली प्राइस है 2.24 लाख एक शोरूम दिल्ली। और जो 2019 की अपाचे आरआर 310 जो लॉन्च की है टीवीएस ने उसकी प्राइस है 2.27 लाख एक शोरूम दिल्ली। बस 3000 का डिफरेंस है ओल्ड बाइक और न्यू बाइक के अंदर। सो देखते हैं क्या यही प्राइस डिफरेंस होगा फॉर इंस्टॉलिंग द न्यू स्लीपर क्लच ऑन ओल्ड अपाचे आरआर 310, क्योंकि पास में आरटीआर 200 के ऊपर स्लीपर क्लच ऐड करने के लिए टीवीएस 2K चार्ज कर रही थी। सो देखते हैं क्या हमें 3000 रुपीस के अंदर न्यू स्लीपर क्लच इंस्टॉल करके मिलता है। बाइक का जो प्रेस रिलीज है उसकी सब लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और सो कल जो बाइक लॉन्च होगी उसके बाद क्या क्या इंप्रूवमेंट्स है उसकी भी मीडिया लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपडेट कर दूंगा। सो टीवीएस ने जो है इस नई बाइक के ऊपर कॉस्मेटिक चेंजेस और मैकेनिकल अपडेट्स भी लाए हैं एज अ अपग्रेड, जैसे बाइक लॉन्च हो जाती है हमें पता चल जाएगा। तो बाइक का जो इंजन है उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं किए, स्टील बाइक का इंजन जो है 313 cc का है और बाइक की जो पावर है वो 34 bhp है और 27.3 Nm का टॉर्क है। सो फ्रेंड्स, ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज है हमारे लिए एज अ टीवीएस।
RR 310 का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव कर रही है। पास में आपने देख लिया था मेरे थर्ड सर्विसिंग वाले वीडियो में कि TVS ने वाइजर की वाइब्रेशन रोकने के लिए एक रबर प्रोवाइड किया, उसके बाद हीवी हैंडल बार इंस्टॉल कर दिए, चेन रोलर था उसमें से साउंड आ रहा था तो उसके लिए एक सॉफ्ट कंपोनेंट वाला चेन रोलर ऐड कर दिया है। तो जो TVS जो है तो अपने कस्टमर से फीडबैक लेके अपनी बाइक के ऊपर इम्प्रूवमेंट ला रही है, दैट इज वेरी गुड साइन फॉर मी एंड द ओनर्स ऑफ अपाचे आरआर 310। सो फ्रेंड्स, द रीजन फॉर मेकिंग दिस वीडियो, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे भाई इस बाइक की अपडेटेड वर्जन कब आएगी, दैट मीन आरआर 310 की अपडेटेड वर्जन कब आएगी। सो हाँ दोस्तों, TVS ने 2019 की अपाचे आरआर 310 लॉन्च कर रहे हैं कल। सो उन्हीं सब सब्सक्राइब के लिए ये स्मॉल वीडियो था मेरा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, और आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो यार सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।